दोस्तों आपका स्वागत है डॉक्टर चंदन होम्योपैथिक क्लिनिक के एक नए वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर चंदन है, मैं प्रतापगढ़ यूपी के अंदर एक होम्योपैथिक प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हूँ। दोस्तों आज का जो सवाल है वो ये आया है कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो आज का सवाल है वो ये है कि जो सर अगर हम सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाते हैं, यानी कि जब सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, तो जो सेक्सुअल डिस्चार्ज टाइम होता है यानी कि ऑर्गेनिज्म का टाइम होता है वो सेम है कि नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्लिनिक पे आते हैं, वैसे भी बहुत सारे लोग क्वेश्चन ये पूछते हैं कि जब हम सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं यानी कि सेक्सुअल रिलेशनशिप अपने महिला पार्टनर के साथ या महिला पार्टनर अपने पुरुष पार्टनर के साथ रिलेशनशिप बनाती हैं, उनके दिमाग में बहुत सारे ख्याल आते हैं। सर पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा पहले डिस्चार्ज हो जाता है और हमारा जो टाइमिंग है वो डिस्चार्जिंग टाइमिंग थोड़ा ज़्यादा होता है, ऐसा क्यों होता है? क्या ऐसे पुरुषों में बहुत ज़्यादा ख्याल आता है कि जब हम सेक्सुअल टाइमिंग करते रहते हैं यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स करते रहते हैं तो पुरुषों के साथ अक्सर ये होता है कि वो बहुत ज़्यादा पहले डिस्चार्ज हो जाते हैं, तो उनके दिमाग में बहुत सारे ख्याल आते हैं, जो स्पेशली जो यंग लोग होते हैं उनके दिमाग में ये बहुत ज़्यादा ख्याल आते हैं कि हम अपने पार्टनर को खुश नहीं कर पाएंगे या खुश नहीं कर पाते हैं, या जो सेक्सुअल ऑर्गेनिज्म होता है एक्चुअली में वो महसूस नहीं कर पाते हैं। तो बहुत सारे दिमाग में डाउट्स आते हैं, बहुत सारे ख्याल आते हैं, उसके लिए बहुत सारे मेडिसिन वगैरह भी बहुत सारे लोग यूज़ करने लगते हैं, जिसकी वजह से उनके बॉडी को और बहुत सारे उटपटांग साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि सही से नॉलेज ना होने की वजह से ये सारी चीज़ें सामने आती हैं और क्लिनिक में बहुत सारे लोग ये पूछते हैं। तो दोस्तों एक्चुअल क्या कंडीशन है उस वीडियो के अंदर, माने कि इस वीडियो के अंदर आपको मैं डिटेल में समझा रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ऑन एन एवरेज ड्यूरेशन बहुत सारे साइंटिफिक रिसर्च वगैरह भी हुई हैं कि एवरेज ड्यूरेशन सेक्सुअल टाइमिंग कितनी होती है। अगर हम बहुत सारे रिसर्चेज का निचोड़ बताते हैं आपको, क्योंकि बहुत सारी स्टडीज़ हुई हैं, बहुत सारी रिसर्चेज हुई हैं, तो उसका जो निचोड़ है मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, वो ये है कि लगभग 5 से 5.5 माने 5 मिनट 30 सेकेंड या 40 सेकेंड इतना ऑन एन एवरेज निकल गया है कि इतना सेक्सुअल टाइमिंग होता है, ठीक है, ऑन एन एवरेज। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, उसमें बहुत ज़्यादा सोचने वाली बात यह है कि अगर और भी और स्टडीज़ हुई हैं, जैसे एक मिनट का जो टाइमिंग होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान, अगर एक मिनट से पहले आपको सेक्सुअल डिस्चार्ज हो जाता है यानी कि आपका जो सीमेन है वो बाहर निकल जाता है और लगभग ये 3-4-5 बार आपको लगातार हो रहा है तो आपको प्रॉब्लम है। एक बार हो रहा है, जैसे बहुत सारे लॉन्ग टाइम से अगर आप रिलेशनशिप नहीं रहे हैं तो वो जल्दी डिस्चार्ज होता है, लेकिन आप जब रूटीन में सेक्सुअल इंटरकोर्स करने लगते हैं, क्योंकि ये एक फिजिकल एक्टिविटी है, जैसे आप कोई एक्सरसाइज करते हैं सेम वैसे इसके साथ है, ये करने धीरे धीरे जब करते हैं तो इसकी ड्यूरेशन बढ़ती जाती है, ठीक है। जब आप फर्स्ट टाइम कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं तो आपका जो सेक्सुअल टाइमिंग होता है वो कम होता है, ठीक है, लेकिन आप जैसे धीरे धीरे आपका सेक्सुअल टाइमिंग है वो बढ़ेगा जब आप उसको कंटिन्यू रूटीन में आता है तो, ठीक है, ये चीज़ें होंगी। और ऑन एन एवरेज इसका एक मिनट के अंदर कम रहता है तो ही आपको प्रॉब्लम है, अगर इससे ज़्यादा है तो आपको प्रॉब्लम नहीं है। ऑन एन एवरेज अगर मैं बताऊँ तो बहुत सारे स्टडीज़ में देखा गया है कि लगभग 2 मिनट अगर आप अपने पार्टनर के साथ 2 मिनट रिलेशनशिप में रहते हैं यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, डिस्चार्ज नहीं होते हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और रही बात यह कि जब हम ये देखते हैं कि महिलाएं डिस्चार्ज नहीं हो पा रही हैं और पुरुष बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जा रहे हैं, तो बहुत सारी स्टडीज़ में बहुत सारी रिसर्च में ये देखा गया है कि जो पुरुष का सेक्सुअल टाइमिंग होता है वो कम होता है महिलाओं की अपेक्षा, ठीक है। यहाँ तक एक रिसर्च में आया हुआ है कि एक स्टडी हुई थी उसमें ये आया है कि लगभग 30-40% महिलाओं का ऑर्गेनिज्म यानी कि सेक्सुअल डिस्चार्जिंग टाइमिंग एक्चुअल में उनको पता ही नहीं रहता क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। तो ये एक बेसिक चीज़ समझने वाली बात है कि ये साइंटिफिक रिसर्च में आया हुआ है कि जो लगभग 30-40% ऐसी महिलाएं हैं जिनको पता ही नहीं होता कि सेक्सुअल एक्टिविटी करने के बाद उनको कब सुख मिला है, मतलब वो कंटिन्यू रूटीन में रहेगा उसके बाद वो खत्म हो जाता है पता नहीं चलता है, लेकिन जैसे जैसे टाइमिंग बढ़ती है समय बढ़ता है तो ऑटोमेटिक उनकी बॉडी को जब वो समझने लगती हैं तो उनको ये चीज़ें समझ में आने लगती हैं, ठीक है। तो इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, अगर आप जो पुरुष होता है वो पहले डिस्चार्ज होता है और महिलाएं थोड़ा बाद में होती है तो इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और मैं एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा, बहुत सारी चीज़ों को फैक्टर होते हैं, बहुत सारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कि बहुत सारे जो हर इंसान अलग अलग कैटेगरी का होता है, यानी कि हर इंसान हर बॉडी का सिस्टम अलग अलग होता है, तो किसी का सेक्सुअल टाइमिंग ज़्यादा होता है, किसी का सेक्सुअल टाइमिंग थोड़ा उससे कम होता है, तो किसी से कंपेयर करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि उनका इतना होता है हमारा भी इतना होना चाहिए, ये गलत है, ठीक है। ये चीज़ आपको बेसिक चीज़ है जो समझना ज़रूरी है, किसी से भी आप अपनी सेक्सुअल एक्टिविटी को कभी भी कंपेयर मत कीजिए, जिसमें आपकी बॉडी हेल्दी रहती है, सुख से रहती है, वो चीज़ें आपके लिए बेनिफिट होती है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एकदम क्लियरली बताना चाहूँगा, वो ये है कि आप कभी भी इस चीज़ को लेकर परेशान मत होइए कि जो सेक्सुअल ऑर्गेनिज्म होता है यानी कि जो चरम सुख होता है वो
दोनों का सेम टाइम पे होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कभी कभी जल्दी हो जाता है, कभी कभी लेट हो जाता है, कभी कभी साथ में भी हो जाता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है बिल्कुल कि एकदम सेम टाइम पे ही होगा। तो इसके लिए टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई मेडिकेशन कराने की ज़रूरत नहीं है, फालतू की कोई मेडिसिन आपकी बॉडी पर एक्सपेरिमेंट ना करें। ये बेहद ज़रूरी चीज़ है जिसको जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। दोस्तों आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, और अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा हेल्पफुल लगा हो, यानी आपको थोड़ी सी भी इस वीडियो के अकॉर्डिंग मदद हुई है, तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद। तो दोस्तों और भी हमारे चैनल बहुत सारी ऐसी वीडियोज डली हैं, उनको देखना बिल्कुल मत भूलिए। तो मिलते हैं आपको ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सर।